बेटा, सो टुडे आई वांट टू गो अहेड एंड आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ कंट्रीज आर क्लासिफाइड। देखो, इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिविजुअल फैमिलीज कैन बी क्लासिफाइड, कैसे उनको हम चार स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हैं, हाउ समवन कैन बिलोंग टू अ वेरी पुअर क्लास और दे कैन बिलोंग टू अ वेरी रिच क्लास। टुडे वी वांट टू गो अहेड एंड वी वांट टू डिवाइड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू फोर मेन रेंजेस। हमें कंट्रीज को चार मेन रेंज में डिवाइड करना है। वी कैन डिवाइड द कंट्रीज इन फोर मेन रेंजेस। द फर्स्ट कैन बी लोअर और द लोएस्ट कंट्रीज, देन लोअर मिडिल कंट्रीज, देन अपर मिडिल कंट्रीज एंड देन द हाइएस्ट कंट्रीज। सो लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई। ठीक है, दिस इज डिविजन ऑफ द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को हम डिवाइड कर रहे हैं। इनकम ग्रोथ इज मेजर इन मेजोरिटी ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्री एंड मेनी लो इनकम कंट्रीज रीक्लासिफाइड एज मिडिल इनकम कंट्री। इन दो पॉइंट्स को समझो। दिस सेज दैट इट हैज बीन सीन दैट ये वाला जो कंट्रीज है ना, द कंट्रीज विच वर कॉल्ड एज लो एंड लो मिडिल कंट्रीज, विद टाइम इट हैज बीन सीन दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन देयर इनकम। विद टाइम ऐसा देखा गया है कि इनकम इनकी ग्रो कर रही है। सो इट हैज बीन सीन दैट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ दीज कंट्रीज। पहला बात तो ये है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इट हैज ऑल्सो बीन सीन दैट विद टाइम मेनी ऑफ द लो इनकम कंट्रीज हैव बीन रीक्लासिफाइड एज मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ऐसा भी देखा गया है कि मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव सीन एन इंक्रीज इन देयर इनकम। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिफाइन इनकम ऑफ द कंट्री। हम कंट्री की इनकम को कैसे डिफाइन करते हैं? सो बेटा, ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट द टू कॉन्सेप्ट्स। देर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी यूजली हैव। वन इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द अदर इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना बेटा? ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट दीज टू कॉन्सेप्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेज दैट एनी वन हु इज प्रोड्यूसिंग विद इन द डोमेस्टिक फ्रंटियर्स ऑफ माई कंट्री। मुझे चाहिए कि प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक फ्रंटियर्स हो। सो एनी वन हु प्रोड्यूसेस विद इन द डोमेस्टिक फ्रंटियर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बट आई वॉन्ट दैट द प्रोडक्शन शुड बी विद इन डोमेस्टिक फ्रंटियर। तो दैट विल बी कॉल्ड एज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। एंड वॉट अबाउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आई एम सेइंग रेजिडेंट विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। प्रोडक्शन शुड बी बाय रेजिडेंट, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर। इनकम ऑफ रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो नाउ इफ आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स ग्रॉस नेशनल इनकम, तो वॉट विल आई डू? इन दिस जीडीपी, फ्रॉम दिस जीडीपी आई विल सब्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट का इनकम एंड आई विल एड रेजिडेंट का इनकम हु आर सिचुएटेड आउटसाइड द कंट्री एंड आई विल गेट नेशनल प्रोडक्ट। दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई एम सेइंग। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज नथिंग, नेशनल इनकम इज नथिंग, जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स लिविंग आउटसाइड द कंट्री माइनस फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है, सो आई हैव गॉट द नेशनल इनकम। इसी नेशनल इनकम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेशनल इनकम आई एम क्लासिफाइंग दीज फोर काइंड ऑफ इकोनॉमीज। तो दोज कंट्रीज विच हैव वेरी लो नेशनल इनकम, उनको हमने लो इनकम कंट्री बोल दिया। विच हैव वेरी हाई नेशनल इनकम, उनको हमने हाई नेशनल उनको हमने हाई इनकम कंट्री बोल दिया। सो दिस डिविजन ऑफ द कंट्रीज, राइट, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। इसको हम नेशनल इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इन 2018
अगेन डेटा इज फ्रॉम 2018 बेटा. अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, इफ देर आर 7.7 बिलियन पीपल, देन 16% ऑफ दिस पीपल दे लिव इन हाई इनकम कंट्रीज. ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जिनका जो ग्रॉस नेशनल इनकम है दैट इज 12,056. दैट इज बिटवीन 12,056. देखो एज आई एम गोइंग डाउन दिस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा विल रिड्यूस. ठीक है, सो दिस इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा विच इज कमिंग टू 12,056. देन 14% ऑफ द पीपल दे आर अपर मिडिल इनकम कंट्री, उनका ग्रॉस नेशनल इनकम इज बिटवीन 3,896 एंड 12,055. देन वी हैव लोअर नेशनल मिडिल इनकम कंट्री, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं एंड देयर GNI पर कैपिटा इज बिटवीन 996 एंड 3,895. एंड अल्टीमेटली बेटा आई हैव द लोएस्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वेयर 10% ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर एंड 49 कंट्रीज हैव बीन क्लासिफाइड एज दिस लोएस्ट इनकम कंट्रीज, अफगानिस्तान, कॉन्गो, साउथ सुडान, येमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब देखा गया है, इट हैज बीन सीन दैट ओवर टाइम इवन दीज कंट्रीज हैव सीन बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर स्कूल एनरोलमेंट एंड एवरेज इनकम ऑफ द पीपल हैज इंक्रीज्ड. तो विद टाइम ये देखा गया है कि एवरेज इनकम भी इन लोगों की बढ़ी है, स्कूल एनरोलमेंट रेट भी बढ़ा है, एवरेज इनकम भी बढ़ी है. सो एज आई टोल्ड यू दैट विद टाइम द लोएस्ट इनकम कंट्रीज दे कैन कम इन टू द नेक्स्ट लेवल एंड दे कैन बिकम लोअर मिडिल कंट्रीज. तो इट हैज बीन सीन दैट विद टाइम देयर इनकम हैज इंक्रीज्ड. हाउ एवर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज हाई इनकम इन इक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज. सो इफ आई वर टू गो अहेड एंड कंपेयर दिस कंट्री विथ दिस कंट्री, यू विल बी एबल टू सी दैट देयर इज वेरी हाई इनकम इन इक्वालिटी. इन दोनों कंट्रीज के बीच में इनकम इन इक्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है. नॉट ओनली दिस, इट हैज बीन ऑल्सो सीन दैट विद इन अ कंट्री ऑल्सो द इनकम इन इक्वालिटी कैन बी वेरी हाई. तो समझो बात को, एक तो हम कह रहे हैं दैट दिस इज द लोएस्ट कंट्री, लोएस्ट इनकम कंट्री, दिस इज द हाइएस्ट इनकम कंट्री, है ना, इनके बीच में देयर इज वेरी हाई इन इक्वालिटी. बट इमेजिन जो ये लोएस्ट इनकम कंट्री में है, यहां पे भी कुछ लोगों का इनकम लोएस्ट होगा और कुछ का हाई होगा. सो इमेजिन दिस डिस्पैरिटी इज ऑल्सो देयर. और अब इमेजिन करो कि द पर्सन हु इज द पुअरेस्ट इन द पुअरेस्ट कंट्री एंड द पर्सन हु इज रिचेस्ट इन द रिचेस्ट कंट्री, है ना, रिचेस्ट इन द रिचेस्ट कंट्री, उनका इनकम में कितना डिस्पैरिटी है. राइट, सो द पर्सन हु इज रिचेस्ट इन द रिचेस्ट कंट्री एंड द पर्सन हु इज पुअरेस्ट इन द पुअरेस्ट कंट्री, उनका इनकम डिस्पैरिटी इज वेरी वेरी हाई. अच्छा, समटाइम्स इट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू एज अ डेवलपमेंट इकोनॉमिक स्टूडेंट दैट वेलबींग इज नॉट ऑल अबाउट इनकम. वेलबींग इनकम से रिलेटेड नहीं है हमेशा. वेलबींग इज ऑल्सो अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर थिंग्स, है ना. सिर्फ इनकम ही थोड़ी है वेलबींग, हेल्थ हो गई लोगों की, एजुकेशन हो गया, ये सब भी तो वेलबींग है. सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इट एक्चुअली गोज अहेड एंड कैलक्यूलेट्स समथिंग विच इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इट बेसिकली गोज अहेड एंड इट कंसिडर्स थ्री एस्पेक्ट्स. इट कंसिडर्स हेल्थ, इट कंसिडर्स एजुकेशन एंड इट कंसिडर्स इनकम. तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, देर आर थ्री पैरामीटर्स इन माई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम. समझे? एंड आई कैन गो अहेड एंड आई कैन रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सो दैट आई गेट टू नो अबाउट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल. जब मैं इस इंडेक्स के हिसाब से कंट्रीज को अरेंज करती हूँ, व्हेन आई अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इट मीन्स आई एम कंसिडरिंग ऑल थ्री थिंग्स, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन. राइट, सो रैंकिंग ऑफ कंट्रीज इन दीज इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट डिफर्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक एट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल
ऑल्सो। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, थैंक यू।